Hello students, I'm Dr. Vinod Kamle. In this video, we are going to see the concept of intrapreneur और हम लोग समझे कि intrapreneur actually में होता कौन है। मैंने आपको already बताया हुआ है कि entrepreneur कौन होते हैं। Entrepreneur मतलब जो businessman होते हैं, जो business के अंदर capital invest करते हैं और जो business के risk को bear करते हैं और जिनको profit as a reward मिलता है ये risk लेने के लिए। So उनको हम लोग बोलते हैं entrepreneur। तो ये इंट्राप्रीन्योर कौन होते हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पहले मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ। पहला डेफिनेशन है जो गिफोर्ड पिनकॉट इल ने दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, इंट्राप्रीन्योर जो होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं हु टेक्स हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड। मतलब ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज करते हैं या फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं बिजनेस करने के लिए, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को क्या हो सकता है, कुछ बेनिफिट हो सकता है या प्रॉफिट मिल सकता है उसको। तो जो बिजनेस के अंदर क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं कि उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो बताया है गिफेन पिनकॉट इल ने। और यहाँ पे हिस्रिच और पीटर क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर इज अ एंटरप्रेन्योर विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सो एंट्राप्रीनियर का मतलब क्या होता है पहले आप लोग वो समझ लो। यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन बताया, अभी मैं सिंपल टर्म में आपको बताता हूँ। जो बिजनेस के अंदर का मैनेजर होता है, जो बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्राप्रीनियर। तो आप बोलोगे कि एंट्राप्रीनियर और एंटरप्रीनियर में फर्क क्या होता है, तो एंटरप्रीनियर जो होता है बिजनेस को कैपिटल देता है, वो बिजनेस के रिस्क लेता है। बट एंट्राप्रीनियर जो होता है वो क्या होता है, वो बिजनेस को कैपिटल वगैरह नहीं लेता है, बिजनेस की कोई रिस्क वगैरह भी और नहीं बेयर करता है। उसके जो फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। मतलब पहले इसमें देखो इंट्राप्रीनियर के बारे में क्या बताया हुआ है कि इंट्राप्रीनियर जो होता है ही इज द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है और उसके पास पूरी अथॉरिटी और सपोर्ट होता है कंपनी का कि वो खुद की इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिव आइडियाज बिजनेस में ला सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो पहली चीज आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि इंट्राप्रीनियर एक एम्प्लॉय होता है जो अपनी इनोवेटिव आइडिया और क्रिएटिव आइडिया को बिजनेस में क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा, इंट्राप्रीनियर जो होता है वो जो भी इनोवेटिव आइडियाज बिजनेस में लाता है या इनोवेटिव प्रोडक्ट बिजनेस में लाता है उसकी वजह से बिजनेस को इमीडिएट कोई भी रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। शायद तक फ्यूचर में कंपनी को उसके वजह से बेनिफिट हो सकता है, उसने जो आज इनोवेशन वगैरह लाया है बिजनेस में उसकी वजह से उसको इमीडिएटली शायद तक बिजनेस को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर कंपनी कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। पर एंटरप्रेन्योर जो है वो इतना काम कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। पहला तो मैंने बताया एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एम्प्लॉय होता है। दूसरा चीज, वो जो काम कर रहा है ये इनोवेटिव आइडियाज वगैरह लाने की वजह से उसकी वजह से उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। नाउ तीसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कोई भी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता नहीं है। हु इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल। इंट्राप्रीनियर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता नहीं है। सारा जो कैपिटल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो एंटरप्रेन्योर या कंपनी प्रोवाइड करती है और कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंट्राप्रीनियर जो होता है वो बिजनेस को चलाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि ये लोग रिसर्च करते हैं कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स वगैरह होंगे। तो बहुत सारे रिसर्च किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले और वो रिसर्च करके हम लोग एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन कैसा होना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च करते हैं और एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी पड़ती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके क्रिएटिव आइडियाज वगैरह जो होती है वो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट वो लोग बना पाते हैं और उससे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेशन तो करते हैं, उससे कंपनी को शायद तक इमीडिएट रेवेन्यू नहीं होगा बट इन फ्यूचर कंपनी को उससे डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनोवेटिव आइडियाज लाके बिजनेस में कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना और जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट होगा, ये जो काम होता है वो एंटरप्रेन्योर करता है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करते हैं, जैसे काइनेटिक इंडिया है, फिर बाद में टाटा मोटर्स वगैरह ये गाड़ी की कंपनी है, इन्फोसिस ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी कंपनी है। तो ये सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। इनके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक वापस से समरी बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो होता है ये एक एम्प्लॉय होता है और दूसरा एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है,
वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करता है, उसको सिर्फ जो कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ वो काम करता है, बट वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट अपने जेब से नहीं करता है। वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह लाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, और ये मैंने एग्जाम्पल दिए है। सो इंट्राप्रीनियर और एंटरप्रीनियर ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस को कैपिटल देता है, बिजनेस का रिस्क बेयर करता है, तो उसको एंटरप्रीनियर बोलेंगे। ये बिजनेस को सिर्फ क्या कर रहा है, अपने इनोवेटिव आइडियाज से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है, बाकी वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्क वगैरह लेता नहीं है। सो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रीनियर। सो एंटरप्रीनियर को आप बिजनेस का मैनेजर भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो एंटरप्रीनियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।